very long period, we all gather here to celebrate Guru. So first of all, our Dr. Paul, principal man for lamp lighting. For this thing, the lamp lighting, today is a day for Gurus. So I think senior bosses get the credit now for this thing. So I call Nilo ma'am for lamp lighting.
चलो Thank you.
अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं बोलता कक्षा दूसरी की छात्रा गुरु के सम्मान में कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गुरु की महिमा। गुरु से बड़ा ना कोई दूजा, गुरु से बड़ी ना कोई पूजा। गुरु है विश्व से भी बढ़कर, जब से तारे हाथ पकड़कर गुरु से हम पाते हैं ज्ञान, गुरु देते हैं विद्या का दान। ईश्वर से भी गुरु महान, गुरु काम करते गुणगान। गुरु पूजा से तर जाएंगे, भव से पार उतर जाएंगे। जीवन सार को हम पाएंगे, परिवर्तन रूप में लाएंगे। गुरु पे छूना है संसार, गुरु जीवन का है आधार। देते जीवन को आकार, गुरु की महिमा अपरंपार। Yeah.
Respected teacher and dear student, good morning to all. Wish you very happy to Guru Purnima. We are celebrating here today's Guru Purnima. As usual, you know, according to Hindu calendars of the month Ashad, we are celebrating here on the full moon of the day. It is very important of the Indian festival for the Guru. Actually, this festival is remind to respect for the Guru, because Guru meaning is here GU of the Sanskrit combination of two words GU. GU means darkness and RU it means remove darkness, light. Guru removes darkness from in our life and show us part of truth and light for our life. How can play in our life smoothly? So we have to always respect to Guru. Guru is a big thing in our life. It's a very great importance in our life. Guru Purnima celebrated big things in India. It's a big festival for India. Guru Purnima is remind to respect to the Guru and salute all of elders whose remind how can respect to the Guru and all elders do give to knowledge for our life. In the end, we again सीखते हैं ना। उसके बाद जब वो स्कूल में आते हैं
होते हैं और वो गुरु आपको आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो ये सिखाएंगे। आज जो जिन भी बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया उदय सर ने आपको सबने सिखाया, उदय सर ने सिखाया नई नई प्रार्थना, तो कितना अच्छा। आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा रहा, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से गाया और जो प्रार्थना थी वो बहुत अच्छी तैयार की गई थी। तो ये उदय सर की मेहनत का नतीजा है और उससे बड़ी बात क्या होती है आप लोगों ने उसे सीखा। अगर हम सिखा रहे हैं, गुरु आपको सिखा रहे हैं और आप कुछ नहीं सीखते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो गुरु की शिक्षा भी असफल हो जाती है, फेल हो जाती है ना। हम क्या चाहते हैं कि आप जीवन में निरंतर आगे बढ़े, नई नई चीजें सीखें। गुरु कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर आपका साथी आपको कुछ सिखा रहा है ना तो वो भी आपका गुरु है। अब मैं प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, सारा कुछ मुझे नहीं आता है ना, सारा कुछ मुझे नहीं आता, वो भी मुझे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो वो भी मेरे लिए गुरु है, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने बड़े से, छोटे बच्चे अपने बड़े से कुछ भी सीखते हैं तो वो गुरु है। गुरु का मतलब सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया, सीखते रहना। तो यहाँ पर मैं जैसे प्रिंसिपल मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोग से यही आशा करती हूँ। प्राचीन समय में क्या होता था कि विश्वविद्यालय जो होते थे वहां पर सारे बच्चे रहते थे जाकर, है ना, वहां पर वही गुरु के साथ वो रहते थे और जब वो अपनी पूरी शिक्षा कर लेते थे तब वो अपने घर जाते थे। अब समय बदल गया है, आप लोग स्कूल आते हैं और घर जाते हैं, तो प्रक्रिया वही है, सीखने का वही प्रक्रिया है। लेकिन आप जब जब सीखेंगे, उस जमाने में क्या होता था, गुरु दक्षिणा होती थी, जब भी गुरु अपनी शिक्षा पूरी करके जाते थे तो अपने गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा में देकर जाते थे। तो हमारे गुरु दक्षिणा क्या है कि मेरा की स्कूल से निकले हुए सारे बच्चे नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करें, नए नए क्षेत्रों में जाएं, कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, आईएएस ऑफिसर बने, आरएएस ऑफिसर बने। कितने बच्चे बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर और कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, वाह वेरी गुड। तो मेरा क्लास से मैं ये उम्मीद करूंगी कि सारे बच्चे बड़े बड़े क्षेत्रों में जाएं, खूब मेहनत करें और हमें हमारी सच्ची गुरु दक्षिणा क्या होगी कि जब आप सफल हो जाएंगे और ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे, समाज के लिए कुछ काम करेंगे, समाज के लिए भी करना बहुत जरूरी है, हमें किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, झूठ नहीं बोलना है। मेरा की स्कूल के बच्चों से मैं उम्मीद करूंगी कि वो झूठ ना बोले, नहीं बोलेंगे, धीरे से बोल रहे हो आप लोग, तो झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच्चे रास्ते से आगे चलेंगे और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जितने भी गुरु आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आप मन से ग्रहण कीजिए, मन से आगे बढ़िए, तो आप जरूर ही नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो हमारी गुरु दक्षिणा क्या रहेगी आज कि आप लोग निरंतर ऊंचाइयों को पढ़ें और जो भी डिसिप्लिन का आपसे उम्मीद की जाती है वो डिसिप्लिन का पालन करें, जितना भी आपको सिखाया जाता है उसे पूरे मन से सीखने का प्रयास करें, ठीक है। और हमारे स्कूल में आपने देखा कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, अच्छा है ना, और बहुत अच्छा सिखाया भी गुरु सर ने, तैयार भी किया आप लोगों को। तो मैं करूँ सारे क्षेत्रों में, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी, जो भी है आपके सब्जेक्ट, सब में आप लोग बहुत अच्छा करें और निरंतर आगे बढ़े। धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जब भी आप स्कूल आए हैं तो सारे बच्चे सभी बच्चे आने से पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आएंगे, क्या करके आएंगे, कैसे, कि आपको पैर छूकर आने अपने
मम्मी पापा के पैर छू करा ले, घर में दादा दादी है तो उनके भी पैर छू करा ले, हमें सभी बड़ों के घर पर पैर छू करा ले, ये प्रिंसिपल मैम आपसे बहुत अच्छा ना मांग रही है, देओगे? आते ही मैं सब बच्चों से पूछूंगी, सब अपने माता पिता के बड़ों के मतलब घर में जितने भी बड़े हैं आपके उनके पैर छू कराएंगे, ओके? ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बनवा धन्यवाद।